बस कुछ सेकंड्स हुए हैं बाहर आए, बर्फ जमना शुरू हो चुकी है। आइस जम गया है। ओह भाई गॉड, देखो भाई कितने बड़े जूते हैं भाई, कितने हैवी होंगे ये। Oh, what is this? See my glasses. Like that, maybe you feel much. Okay. What the hell, chicken ball? Oh my God! It's open. Yeah. Is there anything? Oh my God. Please hold it. Let me check it. Oh my God. भरे बाजार में भले पब्लिक में। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोरवशु। अभी मैं हूँ ईस्ट एशियन कंट्री मंगोलिया की कैपिटल उलानबातर में, जो कि दुनिया की कोल्डेस्ट कैपिटल सिटी है। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि मैं इंडिया से मंगोलिया पहुंचा था और अभी मैं उलानबातर के अपने गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूँ। अभी टेम्परेचर गेस्ट हाउस के अंदर अराउंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और बाहर -30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है घर के अंदर का टेम्परेचर का घर के बाहर के टेम्परेचर का। तो फटाफट घर के बाहर चलते हैं, बाकी बात घर के बाहर करते हैं। ओके बाय बाय। घर के बाहर निकल रहे हैं, ठंड आना शुरू हो चुकी है। देखते हैं बाहर टेम्परेचर कैसा है। देखो पूरी बर्फ जमी हुई है यार। ये ग्लव्स है, कुछ काम वाम कर नहीं रहा है। कुछ यहाँ पे नया लेना पड़ेगा मेरे को। बस कुछ सेकंड्स हुए हैं बाहर आए और यार नाक के अंदर बर्फ जमना शुरू हो चुकी है। कुछ भी बोल रहा हूँ मुँह से यार, ये धुआं निकल रहा है। टेम्परेचर -25 -30 कुछ ऐसा होगा। और यहाँ मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, किसी से मिलने जा रहा हूँ जिनके साथ मैं मंगोलिया घूमने वाला हूँ, बट पता नहीं कहाँ पे है वो। हेलो गाना, हाउ आर यू? नाइस टू मीट यू। ओके, हाउ आर यू? थैंक यू, थैंक यू सो मच। You are fully covered. Yeah, it's so cold. Also today is semi because the day. Is it cold for you? Yeah. What is for me? Okay, let's catch a taxi and yeah. I think it's better to go nearest bazaar. With the taxi? Yeah. Oh, first you sit. Okay. You first. You sit. Okay. Let's go to the nearest bazaar. Okay. So guys, ये है गाना। ये मंगोलिया से हैं, उलानबातर से हैं और इनके साथ आज मैं उलानबातर को एक्सप्लोर करने वाला हूँ हम। और जहाँ तक है पूरे मंगोलिया को भी इनके साथ ही मैं घूमने वाला हूँ। सो गाना बस बजना चाहिए गाना। आई टोल्ड हर गाना इस गाना का मतलब होता है सॉन्ग इन इंडिया। Are you talking about music app? गाना? Yeah, गाना. Okay. What does गाना mean? गाना means there is no meaning. No meaning. Yeah. अब हम लोग जाने वाले हैं नारन तूल मार्केट। Yeah, नारन तूल ब्लैक मार्केट। Yeah. तो नारन तूल ब्लैक मार्केट पूरे मंगोलिया की, पूरे उलानबातर की बिगेस्ट मार्केट, सबसे बड़ी मार्केट है। काफी इनफेमस भी है, जाके देखते हैं कैसा है। मैं अभी रुका हुआ हूँ उलानबातर के सेंटर में। सेंटर से अराउंड 4 किलोमीटर इट्स ऑन द मैप। तो लोग टैक्सी ले लिए हैं। You are using India? Yeah, Indian language. Jimmy. Huh? Do you know the song? Jimmy. Yeah. Haja. I just love these words. Yeah. It's popular in Russia. Even popular here. Yeah, because of Indian movies. When I was young, I was watching many Indian movies, but I don't remember any of them. And also, I don't remember any of song. Just know the words Jimmy, Haja. What does it mean? Jimmy is like Jimmy is a name. It's a kind of name. Haja means come. Okay, copy someone. Right? Yeah. जहाँ मैं गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूँ यार, काफी रशियंस है वहाँ पे। तो गाना बोल रही हैं बिकॉज ऑफ जो वॉर चल रहा है उस वजह से काफी सारे रशियंस आ चुके हैं मंगोलिया में, भी यहाँ पे रह रहे हैं काफी टाइम से। मैनी रशियंस हियर। Yeah, they are staying in a guest house, hotel, everywhere. Something else, everywhere. Some of them maybe they are working. तो अभी मार्केट जा रहे हैं, वहाँ निकल के वॉक करेंगे यार। काफी संभल के वॉक करना पड़ेगा, जैसे लोगों ने मेरे को पता, हर किसी ने बोला है कि भाई वहाँ काफी संभल के रहना, वहाँ पे वैसे लोग घूमते हैं। पिक पॉकेटिंग इज वेरी कॉमन इन नारन तूल मार्केट, पीपल टोल्ड मी। थोड़ी देर वॉक करेंगे तो आइडिया लगेगा कि मेरे कपड़े वहाँ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो पता चलेगा फिर क्या खरीदना है। सो गाना, व्हाट डू यू डू हियर? I'm doing sales now. Sales, yeah. Okay, in Ulaanbaatar. Yes. You say Ulaanbaatar. Many people say Ulaanbaatar. It's not right. It's not correct. It's not correct. Ulaanbaatar is correct. Yeah. Okay. पूरे शहर में बड़ी-बड़ी buildings हैं और हर जगह बर्फ जमी हुई है, रोड छोड़ के। कितनी देखो, हर तरफ हाई राइज बिल्डिंग। ये सेंटर है उलानबातर का, मंगोलियन कैपिटल है। सिर्फ 5 मिनट हुआ है घर के बाहर निकले और सिर्फ 5 मिनट में ही कैमरे की बैटरी 100% से अराउंड 70% हो चुकी है। देखते हैं बाहर क्या होगा। जैसे बाकी कंट्रीज़ में ऊबर होते हैं, हमारे यहाँ ओला भी हैं, वैसे ही मंगोलिया में जो कैब का जो एप्लीकेशन है वो है यूबी कैब्स। तो गाइस लगभग यहाँ तक आने का मेरे हॉस्टल से अराउंड $2 लगा है, लगभग 150 रुपये। मंगोलिया की मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज है मंगोलियन। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे लोग मंगोलियन लैंग्वेज ही बोलते हैं। Okay, so here is like a furniture and okay. Here is for wood. In the winter time, also the countryside they have a wooden box. They store the wood. Yeah. नारन तुल मार्केट, नारन तुल बाजार काफी ज्यादा बड़ी मार्केट आप देख सकते हो। यहाँ पे बोला जाता है कि आपको अपनी पूरी लाइफ का सारा सामान इस मार्केट में मिल जाएगा और काफी अलग अलग सेक्शन में ये मार्केट डिवाइडेड है। हम लोग इसको और देखेंगे। अभी से भी एंट्रेंस है, समझ लो अभी मॉर्निंग के अराउंड 10:30 हो रहे हैं। जस्ट अभी ये मार्केट ओपन हुई है। देखो भाई लोग यहाँ कैसे कपड़े पहने हुए, पूरे कवर्ड है वो। डू यू थिंक दिस जैकेट इज ओके? या दिस जैकेट इज ओके। हां हाउ डू यू से हेलो इन मंगोलिया? समनो साई हेलो साइम्बेनो। या साइम्बेनो इज हेलो। या साइम्बेनो। ओ देखो भाई इनकी आँख पे, आईलैश पे और ये आईब्रो पे हर जगह आइस जम गया है। मैं तो अपना देख नहीं पा रहा हूँ, शायद मेरा भी होगा। ओके। That's how Mongolian people who what they are wearing traditional clothes and big boots. डील है मंगोलियन का जो ट्रेडिशनल क्लोथ। देखो सामने जो पहनी हुई है इनको डील बोलते हैं। डील और दिल दिल। ओके तो दिल कुछ ऐसा बोला जाता है। डू यू आल्सो वियर दिल? हाँ व्हेन डू यू वियर इट? एवरीवेयर। ओके एंड आल्सो एवरी सीजन ऑल द सीजन इवन समर विंटर एवरी। यू वांट टू वेयर एवरी सीजन यू कैन वेयर इट। भाई जो यहाँ मिल रहा है इसमें ये टच वाला मिल नहीं रहा है। देखो सब नॉर्मल ही है। खरी मोटा काफ़ी है, गर्म काफ़ी करेगा, ठंडी में बचा लेगा हाथ जमने से। साइबानो ये वाला ग्लव्स 8000 तुगरुक का है, लगभग 200 रुपये होगा आई थिंक। शायद जो मैं इंडिया से लेके आया था वो शायद 1000 रुपये के आसपास था। यहाँ पे उससे भी गर्म, उससे भी वार्म में 200 रुपये में सॉक्स। या वार्म सॉक्स या भूल कर मोजे लेना। भाई मोजे मेरे यहाँ काम नहीं कर रहा है तो गरम मोजे भी लेने पड़ेंगे जो काम करे। वुल फ्रॉम विच एनिमल? कैमल वुल। देखो भाई कैमल वुल से बना हुआ है ये। मेड इन मंगोलिया। ओके मंगोलियन वुल है। आई डोंट नो दिस साइज। व्हाट डू यू मीन यू डोंट नो योर साइज? कौन सा साइज लूं मैं? What is your size? Around 42-43. Okay. तो भाई मोजे ले लिया हूँ। 2 मोजे 15,000 तुगरुक का पड़ा है, लगभग 200 रुपए का 1 मोजा पड़ा है। काम करेगा पर थोड़ी प्रॉब्लम हाथों में हो रही है। Oh, you pay by your card? ओके तो इन्होंने मेरे से बोला आप यहाँ पे पैसे मत निकालना बिल्कुल भी। मैं पूरी पेमेंट कर दे रही हूँ अपने कार्ड से, अपने पास से। आप मेरे को बाहर में दे देना। यहाँ पे उतना सेफ नहीं है। अभी रश काम में चल जा रहा है बट अभी रश बढ़ेगा ना। पिक पॉकेटिंग यहाँ पे काफ़ी कॉमन है, हर किसी ने मेरे यहाँ से बोला। तो यहाँ पैसे में कुछ निकाल नहीं रहा हूँ। ओके सो नाउ व्हाट यू नीड इज गाना हेलो इज साइम्बेनो इज लाइक अ मोर फॉर्मल and Sano is between friends or okay the short form Sano. And thank you is Bairla. मंगोलियन लैंग्वेज यार काफ़ी डिफरेंट है वर्ड की, हर अदर लैंग्वेज से काफ़ी डिफिकल्ट मानी जाती है। ऐसा बोलते हैं कोई अगर फॉरनर आता है, नॉन नेटिव मंगोलियन लैंग्वेज स्पीकर है, तो उसको 1 साल तक भी रख सकते हैं ठीक ठाक मंगोलिया सीखने में, बोलने में। इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है ये, वर्ड की बहुत ही कम लैंग्वेज मिलती जुलती है। कॉफ़ी कॉफ़ी टी ओके। तो यहाँ पे चाय कॉफ़ी नाश्ता बेच रही हैं। मैंने ब्रेकफास्ट गेस्ट हाउस में कर लिया था, आप लोग देख सकते हो। ये ब्रेकफास्ट मेरे को मिला था। वो पतले यहाँ पे रास्ते में भाई देखो निकलने के लिए गमें। हाँ देखो पूरी ये शू और बूट्स की मार्केट है। यहाँ पे हर टाइप के शूज़ मिल रहे हैं, बूट्स मिल रहे हैं। ओह सो बिग। ओह भाई गॉड देखो भाई कितने बड़े जूते भाई, कितने हैवी होंगे ये। कोई एनिमल के फर से बने हैं, पूरे रियल फर है। देखो इसको पहन लोग भाई -100 से जाओगे तो अभी ये भाई आपका पैर गर्म नहीं होगा। इट्स वेरी हैवी, इट्स वेरी हैवी यार। भाई एक 1.5-1.5 किलो के जूते ये सब भाई कितने गर्म होंगे ये। बाहर ये प्योर लेदर है इसमें और अंदर ये प्योर एनिमल वूल है। Oh my God! I forgot the animal name. Sheep fur. Okay. Yes, so भाई तो ये sheep fur से है, ये horse fur से है. Okay. Also lace is very thick. Oh, it's very thick. हाँ, तो लेस बहुत मोटा है भाई. Price is around $80. $80. Yeah. Okay. भाई लगभग ये जूते 7,000 जूते हैं, 7,000 रुपए के। यहाँ के लोकल, यहाँ के नेटिव जूते हैं ये सब। और कहीं मिलेगा तो भाई इसका प्राइस तो भाई हज़ारों में चला जाएगा, 10-15-20 हज़ार चला जाएगा। और कहीं मिलेगा तो और भी यहाँ पे छोटे भैया देखो, ये सब भी ठंडों में काम करेंगे। फॉर वुमेन, ओके। ये वुमेन का है, अच्छा तभी छोटा है। दैट्स वेरी स्मॉल। फिर से बड़े वाले शू आ गए हैं भाई। अरे बाप रे, मेरे शूज में इंडियस लेके आए, अभी तो काम कर रहा है। मैंने एक्चुअली 2 सॉक्स पहना है, एक नॉर्मल सॉक्स है, एक मरीनो वूल का सॉक्स है, इसको शू पहना है तो भी काम चल जा रहा है। अगर मेरे को लगे काम नहीं कर रहा तो देखेंगे, लेकिन अभी इतनी ठंड नहीं लग रही, बस हाथ में प्रॉब्लम हो रही थी बस। व्हाट इज दिस? लाइक अ सॉक्स। कितने बड़े, कितने हैवी, कितने भारी सॉक्स है भाई ये। इज मेड फ्रॉम शीप वूल। ये शीप वूल। वेरला बेबी यू नीड दिस। ओह व्हाट इज दिस? अरे भाई इतना बड़ा, इतना हैवी, इतना मोटा सॉक्स। अरे भाई देखो भाई सॉक्स है कि क्या है। मोस्टली हेयरड्रेस दे वेयर समथिंग लाइक दैट। मोस्टली हेयरड्रेस नोमैड्स। हां नोमैड्स। तो इस कंट्री में जो नोमैड्स, उनके बारे में आप लोगों को अलग से बताने वाला हूं। यहां कल्चर काफी डिफरेंट इस कंट्री का। वो पहनते हैं, टेंपरेचर -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। वेरी वेरी वार्म। देखो भाई कितना ज्यादा मोटा है भाई। अपने यहाँ जो वो होते हैं ना कारपेट होते हैं, उस कारपेट से भी मोटा ये सॉक्स भी बोले इसको, एक तरीके का भाई जूता ही बोलेंगे इसको तो। आई डोंट नीड। हाँ ओके। देखो भाई यहाँ पे जैकेट मिल रही भारी भारी मोटी मोटी सरवाइव करने के लिए। अगर मेरी जैकेट काम नहीं करती तो यहाँ से जैकेट खरीदता फिर। हेलो साइवनो, देखो जैकेट भाई बहुत ही मोटी जैकेट भाई। ये तो -50 डिग्री तक भी काम कर जाएगी सब जैकेट। सो गाइस ये दूसरा ग्लव्स मेरे को लेना पड़ा है यार। ये देखो, ये बाहर लेदर का है, अंदर कोई वूल है इसमें। देखो ऐसा है ये। जो टस्करीन वाला ग्लव्स लिया था यार वो काम नहीं कर रहा था। 5 मिनट काम किया, 5 मिनट के बाद मेरे पूरे हाथ फ्रीज होने लगे भाई, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। दूसरा ग्लव्स लेना पड़ा। ये मेरे को पड़ा है अराउंड 25,000 तुगरुक का, लगभग 600 रुपये। थोड़ा गर्म है ये, लेकिन टच स्क्रीन वाले प्रॉब्लम आएगा, फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं कर पाऊंगा इसके साथ में। यहाँ पे देखो ये नरन तूल मार्केट कैफ़े है, हम लोग कैफ़े आए हुए हैं। कुछ यहाँ पे टी कॉफ़ी वगैरह जो भी मिलेगा लेते हैं। देखो कितना भाई हर जगह धुएँ भाभी भाई यहाँ पे तो। सी माई ग्लासेस। मेरे ग्लास देखो भाई, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिख रहा है। पूरा ये इसमें ये फॉग आ चुका है, उतारना पड़ेगा या फिर 2-3 मिनट लगेंगे इसको। 2-3 मिनट से ज़्यादा लग सकते हैं नॉर्मल होने में। इनके आईब्रो सब जगह पूरा बर्फ जम चुकी है भाई पूरी तरह। आइस ऑन आई। तो यहाँ का ये मेन्यू है, ये देखो, इट्स रिटन इन मंगोलियन लैंग्वेज। देखो पूरी मंगोलियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मंगोलियन लैंग्वेज ना, इनकी जो स्क्रिप्ट होती है वो मंगोलियन स्क्रिप्ट होती है, जो कि काफ़ी डिफरेंट है। बट मंगोलिया के ऊपर ना रशिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके ऊपर बताऊंगा रीज़न क्या है। इन्होंने ना अपनी स्क्रिप्ट चेंज कर दी है, मंगोलियन स्क्रिप्ट से सिरिलिक स्क्रिप्ट कर दी, जो कि रशियन लैंग्वेज की स्क्रिप्ट होती है। तो जिनको रशियन आती है वो पढ़ सकते हैं, बट भी समझ ना पाए क्या मतलब है। Do they have milk tea? Yes, hold like this. Like that, maybe you feel much. Okay, बोल रहे दोनों हाथ से चाय पी पकड़ के, तो थोड़ा हाथ गर्म हो जाएगा। And what is this? This is curd. Hot curd. Yeah. Made from milk. Made of milk. गरम कर्ड है, यानी कि दही कुछ गरम भी कुछ ऐसा ही पी रही है। और अपने जो लस्सी पीते हैं ना, लस्सी एक गरम लस्सी, कभी सुना है आप लोगों ने गरम लस्सी? This is just milk tea. हाँ. Salt, water, milk, and some tea bag. And no sugar. No sugar. We never use sugar for milk tea. Oh, अरे भाई यहाँ पे चाय भाई नमक के साथ। इसमें चीनी है ही नहीं, नमक है भाई। ये मिल्क टी है और टी का कंसंट्रेशन काफ़ी कम है, तो कलर वाइट आ रहा है। और ये नमक के साथ मैंने मीठा सोचा था, What she say? She said she selling hats made of fox skin. Ah, Sabano. There are some nice hats if you want. This is deal. Yeah. Deal. इनके को ट्रेडिशनल क्लोथ मंगोलिया का काफ़ी अलग इसका टेस्ट है इस सॉल्टी टी का। टी का टेस्ट तो आ रहा है बट पूरा वही है, चीनी की जगह पूरा ये नमकीन चाय है। You like it? Yeah, I love it. Hot curd. Yeah. What is the local name of this hot curd? Arth. 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 And what do you call tea in local language? Sutece. 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 Che. Che means tea. इंडिया में, चाइना में और कई सारी कंट्रीज में चाय बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं चाय। टी और सी का कुछ मिक्सचर है। मेरे जो सॉक्स हैं ऑलरेडी मैं 2 सॉक्स पहना हुआ हूँ, फिर ये मरीनो वूल का सॉक्स है, इससे गर्म सॉक्स इंडिया में हो नहीं सकता। फिर भी यार काम नहीं कर रहा है, अब पैर में काफ़ी ठंडी लग रही है तो सॉक्स जो यहाँ पे लिया हूँ तीसरा सॉक्स मैं पहनने जा रहा हूँ। तो यार अपना चाय हो चुका है, बाहर जा रहे हैं। देखो पूरा डोर में पूरा बर्फ़ जम गई है, बर्फ़ हाथ में आ रही है। तो 50-50 रुपए का यहाँ ड्रिंक था, कोई भी ड्रिंक लो सब 50-50 रुपए का है, लगभग 2000 तुगरुक का। देखो भाई मंगोलियन कारपेट है ये सब। भाई कपड़े यहाँ पे ज़्यादा मोटे हैं, कारपेट यहाँ पे पतले हैं। जितनी मोटी ये कारपेट इससे मोटे मोटे तो यहाँ पे भाई ग्लव्स और मोजे हैं यहाँ पे। देखो भाई रशियन कैप यहाँ मिल रही है। Oh my God, I cannot hear anything. भाई अब हम लोग बुला लिए हैं। Oh, it's very big. भाई बहुत ही एक्सट्रीम विंटर के लिए बहुत ही हैवी कैप भाई। What is this? This cap? Oh, ये कौन सी कैप है भाई? Boxer. Okay. तो भाई फॉक्स के फर से कैप बनी है। इस फॉक्स फर भाई पूरी लोमड़ी बोलते हैं ना फॉक्स को हिंदी में, लोमड़ी के फर से बनी है भाई ये। दिखने में पहले अच्छी है, कान तो कवर हो नहीं रहा यार। मेरी ऑलरेडी कैप थी यार, सही थी, इतनी बुरी नहीं थी। काफी तेज धूप निकल आई है और टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ यानी कि थोड़ा गर्म हुआ है, और टेम्परेचर अगर कम हुआ यानी कि ठंड बढ़ी है। बहुत लोग उल्टा समझ लेते हैं तो समझना पड़ेगा इसको। धूप निकलाई बहुत तेज। मैं इस बार ना इंडिया से आया जल्दीबाजी में अपना मैं बॉटल रखना भूल गया, जो मैं हर साल बॉटल लेके जाता हूँ अपने ट्रिप में। तो भाई इंडिया की बिस्लरी की बॉटल साथ में आ गई है, बैग में रखी हुई है, देखते कहीं बॉटल मिलेगा तो लेना पड़ेगा। तो अब हम लोग उलानबातार की सबसे बड़ी मार्केट नारन तुल ब्लैक मार्केट के बाहर आ चुके हैं। जा रहे हैं उलानबातार के सबसे बड़े स्क्वायर में, आपको पहुँच के दिखाते हैं। ये क्या है भाई, कोई फ्रेश एनिमल का? ओह देखो कोई एनिमल का गोट या सीप है, इसका काटे हैं पूरा, ये इसका ये स्किन और फर निकाल रहे हैं, एकदम फ्रेश है। ये ब्लड भी लगा हुआ है, देखो ये वेरी फ्रेश है। शीप का पूरा ये पूरी ये भाई स्किन और फर है, एकदम फ्रेश है। ये स्लिपिंग या इट्स वेरी स्लिपरी, बहुत तेज पैर फिसल रहा है भाई, बहुत तेज। अभी तो गिरते गिरते मैं बचा हूँ, कभी संभल के भी चलना पड़ेगा यहाँ पे यार। इज योर शू ऑल्सो स्लिपिंग? नो It's also slippery. Oh. We are good at walking. Okay, okay. Although मेरा शू स्नो वाला है, फिर भी स्नो में बहुत फिसल रहा है। बाहर मेन रोड पे आ चुके हैं, फिर से टैक्सी लेते हैं सुखबातार स्क्वायर जाने के लिए। यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है वापस। Somebody tried to open the chain of my bag. Really? Yeah. Oh my God. Is open? Is open? Yeah. Is there anything? What do you have here? Close it, close it, close it. Is everything there? It was open or you opened it? No, I didn't open it. You didn't open? Yeah. देखो भाई पूरा चैन खुला हुआ था। Oh my God. When? Right here? This side now, yeah. Oh my God. Please hold it, let me check it. Please hold and let me check. तो यार देखना पड़ेगा यार, कुछ गैप तो नहीं हुआ। जस्ट अभी मैं वॉक कर रहा था, पूरी पब्लिक इतनी सारी कार से रोड है, पीछे से कोई चैन ओपन करके सामान निकालने की कोशिश कर रहा है। अब पासपोर्ट पता नहीं, पासपोर्ट लाया हूँ घर पे, पासपोर्ट मेरा। वो तो मैं समझ गया भाई कि कोई निकाल रहा है, तो फिर देरी होती तो सामान गायब हो जाता। आई थिंक इट्स ओके, लेट मी चेक माय पासपोर्ट। ओह माय गॉड, या ओह माय गॉड। बैग का पैसे लगा के चलना पड़ेगा। भरे बाजार में भले पब्लिक में पीछे से लोग आके बैग खोल के सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर सरप्राइज? या सारी कार के पीछे से देखो धुआं निकल रहा है, पूरी कार में, कोई भी कार हो यहाँ पे। देखो मैं वो कल भी दिखाया था लास्ट वीडियो में, सब कार के पीछे धुआं निकल रहा है यहाँ पे, ये देखो। मंगोलिया पूरी दुनिया की 18th लार्जेस्ट कंट्री है, 18वीं आफ्टर ईरान 17th लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड की, और मंगोलिया सेकेंड बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री पूरे वर्ल्ड की आफ्टर काजाकिस्तान। फिर भी इस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है। पूरे मंगोलिया कंट्री की पॉपुलेशन सिर्फ 3.3 मिलियन, लगभग 33 लाख, इतनी कम पॉपुलेशन है। मंगोलिया पूरे वर्ल्ड की लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इंडिपेंडेंट कंट्री है। समझ सकते हो, पूरे कंट्री में ना पर स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ 2 लोग रहते हैं, सिर्फ 2 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। और पूरी कंट्री की ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन उलान बातर में रहती है, लगभग 16 लाख। यानी कैपिटल के बाहर जाएंगे ना तो कंट्री पूरी खाली समझ लो आप। तो मंगोलिया पूरे वर्ल्ड की लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड या मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्री है। उसके बावजूद लोग बोलते हैं उलान बातर में बहुत ट्रैफिक रहता है, क्योंकि पूरी कंट्री की आधी पॉपुलेशन तो भाई इस शहर में ही रहती है। सारी कार के ऊपर पूरी बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे, ये देखो। जो कार चल रही है, जो कार काफी टाइम से खड़ी, पूरी बर्फ से कवर्ड है यहाँ पे। भाई बहुत ही फिसल रहा है, बहुत ज़्यादा फिसल रहा है। ये भाई मेरे को पकड़ चल रही है, और ये पकड़ ले रही है, आप गिर जाओगे। ये तो भाई एंजॉय कर रही है यहाँ पे, स्केटिंग कर रही है। अब मैं चलने में मेरी हालत खराब है यहाँ पे। हाँ 60,000 people and now it's 1.6 million. Yeah. गाना बोल रही हैं 70 साल पहले तक इस शहर में सिर्फ 50-60 हजार लोग रहा करते थे। आज टाइम पे इस शहर में 16 लाख लोग आ चुके हैं। पूरे कंट्री में जो लोग रहते हैं ना, ठंड से भाग के बच के अब इस शहर में आके रहने लगे हैं। मंगोलिया एक ऐसी कंट्री है, या शायद दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री हो, जहाँ पर आज भी लोग नोमैडिक कल्चर को फॉलो करते हैं। जी हाँ, इस कंट्री में आज भी अराउंड 40% पीपल में भी 50% भी हो सकता है लोग एज आ नोमैड्स रहते हैं इस कंट्री में। गाना इवन योर पेरेंट्स दे लिव एज अ नोमैड्स। वेयर योर पेरेंट्स लिव? हाउ फार इट इज फ्रॉम उलानबातर? 700 तो 700 किलोमीटर दूर। मेनी नोमैडिक पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री दे सेटल्ड इन उलानबातर। इस वजह से ना इस शहर की पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो हो गई। उलानबातर का एनुअल एवरेज टेम्परेचर है -1.2 या -1.5 के आसपास बोल सकते हो आप। पूरे वर्ल्ड के सारे कैपिटल्स में सबसे कम एवरेज टेम्परेचर उलानबातर का ही है, -1.2, इतना कम। मेन रोड पे आ चुके हैं, देखो। और यहाँ से टैक्सी लेंगे भाई शहर के सेंटर में जाने के लिए। हाँ ओके, नॉर्मल टैक्सी। ओके नॉर्मल टैक्सी ले रहे हैं। ओके ओके, टैक्सी आ गई। लेडी ड्राइवर लग रही है मेरे को। भाई फिर से रात मिली, कार काफ़ी गर्म है। देखो भाई सेंटर में आ चुके हैं, पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है काफ़ी दूर तक। तो वर्ल्ड की लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री की कैपिटल में भाई ट्रैफिक जाम है बुरी तरह। अभी का जो टाइम है पूरे साल का सबसे ठंडा टाइम है इस कंट्री का। दिसंबर में होता है, लेकिन जनवरी फरवरी सबसे ज़्यादा होता है। ओके ओके, रोड पे जो टैक्सी मिलती है ना, पर किलोमीटर मान के चलो लगभग 2000 दुगरुक लग रहा है पर किलोमीटर, यानी कि 50 रुपया पड़ रहा है यहाँ पे। तो अभी 2 किलोमीटर था, 100 रुपये लगे हैं आने के, अराउंड 4000 दुगरुक। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सुखबातर स्क्वायर, पूरे मंगोलिया कंट्री का, पूरे उलानबातर सिटी का सबसे बड़ा स्क्वायर। एग्जैक्टली सेंटर में ये सबसे फेमस स्क्वायर है पूरे सिटी का, कैपिटल सिटी का। रेस्ट रूम ओके। ऑल्दो इतनी ज़्यादा ठंड है, लेकिन यार प्यास पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लग रही है, बार बार ये टॉयलेट लग रही है। ये भाई पब्लिक रेस्ट रूम है, पब्लिक टॉयलेट है। उसके बाद फिर कहीं चलते हैं। देखो भाई यहाँ पे बर्फ़ की पूरी लेयर हो चुकी है यहाँ पे, ये देखो पूरी बर्फ़ भी यहाँ जम चुकी है भाई। तो देखो भाई ये पब्लिक टॉयलेट है, सिटी टॉयलेट लिखा हुआ है। इट्स क्लोज्ड, इट्स क्लोज्ड। टॉयलेट क्यों बंद है भाई, कहाँ करेंगे? हाँ लंच टाइम। अरे भाई टॉयलेट में कब लंच टाइम होने लग गया? लंच टाइम फॉर टॉयलेट, ओह माय गॉड। ओके हेलो साइमानो, पुलिस मंगोलियन पुलिस। पुलिस वालों ने बताया वहाँ जाते हैं, उसके बाद फिर आपको यहाँ के बारे में बताते हैं। कोई ये कमर्शियल बिल्डिंग है काफ़ी ज़्यादा बड़ा, यहाँ पे सारी हाई एंड्स ब्रांड है, हाई एंड्स प्रोडक्ट यहाँ पे बिक रहे हैं, जो कि हर शॉपिंग मॉल में होता है जैसे। तो भाई मिशन पूरा हो गया। और फॉर हाउ मेनी इयर्स यू हैव बीन लिविंग इन उलानबातर? 5-6 इयर्स। यू ऑल्सो फॉलो द नोमैडिक लाइफस्टाइल? सिनेमैटिक कल्चर। हाँ ओके, अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करके सबके साथ शेयर करिएगा। गुड बाय।